व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी वॉक करके हम आए और आते ही मलन साहब अपना बाल कटवाने चले गए हैं, क्योंकि आज हम जा रहे हैं अपने नए घर। वैसे तो हम जाते ही रहते हैं, लेकिन आज प्रेरणा और हर्ष को लेके जा रहे हैं, क्योंकि जब से हमने नया घर लिया ना, उन्होंने देखा ही नहीं है, क्योंकि वो लोग इतने बिजी होते हैं, कभी कोरिया, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी कहाँ, उनके पास टाइम ही नहीं है। लेकिन फाइनली आज वो जा रहे हैं हमारे साथ। तो मतलब साहब कहते हैं कि बेटी, दामाद के साथ जा रहा हूँ तो थोड़ा सा बाल वाल कटवा के आऊँ। तो अभी वो गए हैं बाल कटवाने, तब तक मैं अपना रूटीन वर्क कर लेती हूँ। ये आपका थोड़ा इंतजार है। क्यों भाई? एकदम वो गया बाल कटाए, उसका गीजर खराब हो गया, ठंडा पानी मेरा सर ना जाम हो गया। तो बाल तो तुम ही धोके गए इसी के, इधर दिखाओ जरा। है पूरी डाई शाई करा के आए हैं। कह के गए बाल कटान गया हम और करा के आए हैं अपनी पूरी। मैं बता तो रहा हूँ ना, उसका गीजर खराब हो गया, उसका गीजर खराब हो गया, पानी मारा संडा, मेरा सर ऐसे हो गया जैसे बर्फ बन गया। मैंने कहा छोड़ दे भाई छोड़ दे, मैंने नहीं अब लगवाना। तभी आते ही चाहेगा, तभी तो सर दर्द हो रहा है, और यहाँ जाम हो गया और नाक में ठंडी हवा जा रही है। चाय पींदे वो टैक्टिक, जब मेरे को वैसे मिल जाती है तो मेरे को झूठ बोलने की क्या ना, मैं जिंदगी में झूठ बोलता हूँ। हाँ जी, हरीश चंद्र केड़ा, राजा हरीश चंद्र, राजा सत्यवादी। फिर बोलो बोलो ना, फिर की बोला जो तनु चाहिदा वा चाय गरमा गरम। जिम्बल हम तू इधर घर चाय बना के ना, जल्दी जल्दी रेडी हो जा, हर्ष का फोन आया, वो आ रहे हैं आधे घंटे से। ओके गाइस, तो यहाँ पर है मेरी मम्मी जो हमेशा खाना बनाने में लेट हो गई है। लेट हो गई है क्योंकि आज मम्मी ने भी जाना है, मैंने भी जाना है। मम्मी जा रही है प्रेरणा दीदी को नए घर की तस्करी देने, तस्करी देने। अब मुझे तस्करी का वजन क्या, तस्करी करने, तस्करी क्या होता है पहले, ये वर्ड मुझे भी नहीं पता। तस्करी क्या होता है? वो तस्करी होता है, तस्करी जो एमिनेशन जो इल्लीगल क्या होता है, मेरे को इंग्लिश का वर्ड नहीं आता। एक्सपोर्ट बेसिकली इल्लीगल वे में, अब मुझे तो मतलब पता नहीं सर, मैं तो आता कुछ नहीं है इसलिए मैं कुछ भी बोलता हूँ। हेलो गाइस, आई एम योर बेस्ट व्लॉगर ऑफ द ईयर, यू शुड अवार्ड मी फॉर बेस्ट व्लॉगर, मैं बहुत अच्छी व्लॉगिंग करता हूं। तस्करी, आज मैं इल्लीगल माइनिंग करने जा रहा हूँ, ऐसी ब्लॉगिंग करता है। पीछे सीटी बज रही है गैस की, ये अपने ब्लॉग करने में लगा हुआ है। गैस जल रही है, पता है खाना बन रहा है, घर के ब्लॉग्स हैं और क्या, तो और क्या कुछ आता है यहाँ पर। परफेक्ट तेरे लिए वो वॉइस कंट्रोलर लगे, एक परफेक्ट वीडियो के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। जाना क्या पहले परफेक्ट एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट कर लिए। एंटरटेनमेंट क्लियर कर गया, एनवायरनमेंट क्लियर करने के लिए। ये देखो एनवायरनमेंट क्लियर करने के लिए मैं इस पे हाथ रख के बैठी हूं, ताकि ये गाइस, ये लड़की बहुत मेहनत करती है गाइस, व्यूज दे दो यार। कुकर पे हाथ रखो है ताकि विसल ना आए, विसल ना आए। जल नहीं रहा आपका हाथ, जल रहा है पर आवाज, तूने कहा है आवाज आ रही है। परफेक्ट एंटरटेनमेंट के लिए तो बहुत जरूरी है ना, एंटरवायरमेंट, एंटरवायरमेंट के लिए बहुत जरूरी है। खा ले भाई, खाना खिला दे डिंपल, डिंपल मोमो जल्दी, मैं तो खुद कह रही हूँ जल्दी करो। मैंने नहीं खानी मेथी वाली, पोलू आ जाएगी फिर वो। मैंने मेथी वाली नहीं खानी, और कौन खाएगा। मैं भाई पिछले 3 दिन से मेथी दाल, मेथी दाल, उस पर बटर लगा लगा के बटर बना दिया मेरा, मैं नहीं खाऊंगा। हाँ मेथी मैं नहीं खा रहा, तो यही 3 चीजें खाते हैं तू, और क्या खाता है। कट्टी, मैं मम्मी से कट्टी हो गया। कल मैंने मम्मी की छोले भटूरे वाली वीडियो देख ली, आधी रात को भूख लगवा दी, और अब खाने को दे रही है मेथी। मैंने खाने मेथी की पराठी, सबसे अच्छी आयरन होता है। अरे ना खरे बहुत खाने के, मेथी वाली पराठी दी है पिछले 7 दिन में से 5 दिन मैंने, चुप करो आप 2 मिनट, पिछले 7 दिन में से 5 दिन एक रोज सुबह उठ के मेथी के पराठे में इतना सारा बटर डाल के दे देते हो। रोज मेरा ट्रेनर पूछता क्या कर रहे हैं, मैं क्या बोलू, मैं सुबह पराठिया खाता हूँ बटर लगा लगा के। उसने बोलना था कि सुबह कुछ भी खा सकते हो आप, नॉर्मल जो खाना लाओ, 7 दिन में 5 दिन भटूरे खिला दो, फिर क्या तकलीफ है। भटूरे सुबह ब्रेकफास्ट में नहीं होते, और किस में, डिनर में खाते हैं। देख मैं हो गया हूँ, देखो गाइस बहुत ज्यादा परेशान, मेरे को हेल्दी फूड भेजा करो, मेरी मम्मी मेरे को परेशान करने के लिए। मम्मी हेल्दी फूड नहीं बनाती, दो रोटी एक साथ खा रहा हूँ।
जबरदस्त। वाह मम्मी, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब आप रोज मेथी की पराठी और दाल वाली रोटी बनाते हो, बहुत बढ़िया है, रोज बनाओ। क्योंकि तू कभी खाता नहीं ना। एग्जैक्टली। ये बेचारा मेरा शरीफ बच्चा जो खा लेता है। वो नहीं खाता। वो खाता ही नहीं, ना दाल वाली ना मेथी वाली। ये क्या बात है, मतलब मैं ही पापी हूँ क्या इस घर में? मैं जबरदस्ती खा रहा हूँ भाई। मेरे को से बेटा बना दिए, बेटा खा ले, बेटा ये, बेटा वो, मैं क्या मतलब क्या कुछ भी मैंने मेरे को खिला। खा ले अब तू खा ले, वो देख पीछे कैसे हंस रहा है, खुश हो रहा है। इसको क्या खिलाते हो? ये सब्जी साथ रोटी खाता है। पराठी नहीं खाता तो वो सब्जी तो खाता है ना। तू सब्जी कोई नहीं खाता। बटर खिला खिला के तू सब्जी साथ खा लिया कर। A few moments later. तो फाइनली वो शुभ मुहूर्त की घड़ी आ गई है। मैं आई हूँ यार मम्मी और पापा का और नोनू अब्बू और मेरा भी मैंशन देखने। चलो चलते अंदर, बाहर से इतना ज्यादा गजब लग रहा है, अंदर से तो पता नहीं। चलो भाई पापा नाराज हो गए, आज VIP आए हैं। अभी तो यहाँ पे सारा काम चल रहा है, मुझे तो पूरी दुबई वाली फील आ रही है, ऐसे लग रहा है ओ माई गॉड आई एम इन दुबई गाइस। वैसे मैंने ना ऑनेस्टली सोचा था कि जब बन जाएगा तब मैं देखूंगी और फिर एकदम से होगा कि वाओ, पर अब मम्मी कह रही है कि चल, पापा बड़ी देर से कह रहे थे देखा देखा, मेरे का चलो अपने शुभ कदम। बेटियों के पैर बड़े लकी होते हैं, तेरे पैर डले तो शायद जल्दी काम हो जाए। अभी बस जल्दी हो जाएगा आपका काम, देखो खुल जा सिम सिम। अरे अभी तो पूरा टूटा पड़ा है। हाँ क्या ही देखूंगी, क्या ही देखूं मैं। बाहर से बस ब्यूटी देख लो, ये देख पीओपी देख। हाँ पीओपी हो गई है, मैं देख सकती हूँ। जगह तो बची नहीं है कहीं कभी ऊपर जाने की, सारी जगह तो अपने सामान बिखरा रहा हुआ है। मुझे पूरा बनने के बाद ही आना था। एमी पापा तेरे को पहले ले आए है ना, उनकी एक्साइटमेंट थी भाई। वो देखो सर जी भी आ रहे नीचे। मैंने तो पूरा देखा जब डीलिंग हुई थी, ये सर तो पूरा काम करवाया है। अभी से फील आ रही है कि मैं जब गार्डन बनेगा तो कैसे वहाँ पे हवाएं ड्रिंक लेके बैठूंगी और फिर चिल करूंगी। जल्दी बना दो भैया। ये देखो ये भी सिटिंग एरिया बन रहा है अलग से। कितनी प्रोग्रेस हुई है आपको ज्यादा पता होगा ना। बस अभी तो पीओपी हुई है बस, और किचन किचन की टाइलिंग लगी है। अच्छा किचन उधर है, ये सामने किचन है। ओके नाइस यार, ये भी उसकी पीछे बैक वाली टाइल्स लगती है ना। हाँ कमर्शियल टाइल्स कमर्शियल लगती है, सीलिंग वगैरह ना आए। ये पिलर है। अच्छा यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही है तो फिर लिफ्ट कहाँ से है? वो लिफ्ट बंद पड़ी करी हुई है ना अभी। ओके बिटिया के लिए क्या भैया? मेरा फर्स्ट फ्लोर है, आपका रूम है ना? मेरे लिए भी रूम रखा है। हाँ और क्या? सबसे बड़ा रूम वही है, सबसे बड़ा रूम है, उसकी टॉयलेट भी बड़ी है और जो कबर्ड एरिया है ना वो भी काफी बड़ा है। चलो यार ये तो बहुत ही बढ़िया बात हो गई। फिर तो नोनू और अब्बू बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे आपसे। मम्मी मम्मी अच्छा बनाना और पिंक बिल्कुल मत डालना, मुझे चाहिए ग्रे ब्लैक सिल्वर सुंदर वाले कलर। अब ये मत कहना कि मैंने ऐसे कलर्स नहीं यू चूज करे हैं। नहीं हमने पिंक नहीं करा, बस पिंक नहीं चाहिए, पिंक तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और पता है जो रेंडर में उसने बोला है ना, लिख के भी भेजा डॉटर्स रूम, आपको पता है ना। फिर मैंने वो वीडियो भी तो चैलेंज भी तो करा, आई हिड इन माय न्यू होम एंड माय मम्मा डिडंट नो। सबसे बड़ा रूम है वो। लेटर दैट नाइट हम देख कितनी मेहनत कर रहे हैं ना घर बनाने के लिए तुम्हारे लिए। सुबह 10:30 बजे से निकले, 9 बज गए रात के, तुमने पूछा कि मम्मा कहाँ हो, पापा कहाँ हो, मैं मिस कर रहा हूँ। प्यार करने वाले दिलों में बात कर लेते हैं, बोलना नहीं पड़ता। फोन करो तो बात नहीं करता, दिलों में बात कर लेते हैं। मम्मी मेरी सबसे प्यारी है ना, पापा जितने गुस्से वाले मम्मी उतनी प्यारी है। पापा बहुत खुश हो रहे हैं। मम्मी की तारीफ कर लो बस घर में। देखो मैं दो घर में शांति चाहिए आप लोगों को, घर में छोटी तारीफ कर लो। मैं बता रहा हूँ ना, वो कहते हैं इंसान को अगर अपने घर में खुशियां रखनी है तो दो ही चीज, बीवी और माँ, उनकी तारीफ करते रहो। बीवी अपनी है नहीं, बीवी पापा की और माँ मेरी, तारीफ की तारीफ।